अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज हम बात करने वाले हैं स्किन केयर पे। काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन को स्किन पर पिगमेंटेशन आ जाते हैं जो मुस्तकिल तौर पर स्टे करते हैं। वजह यही होती है कि हम लोग इग्नोर करते रहते हैं इतना स्किन को कि वो डीट हो जाते हैं और जाते ही नहीं। आजकल डॉक्टर रेशल की क्रीम्स और क्लिंजर बहुत ज़्यादा मार्केट में नज़र आने लग गए हैं और यकीन जाने बहुत अच्छे हैं, बहुत कामयाब हैं। इन पे बात की जाए तो इनके सीरम्स मैंने यूज़ किए हैं, इनकी वाइटनिंग सीरीज़ मैंने यूज़ की है, इनके एजिंग सीरम्स मैंने यूज़ किए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इन सब के। मैं रिकमेंड करूँगी कि जिन जिनको ये मसला है फेस का, पिगमेंटेशन का, वो सब औरतें, ये सब लड़कियाँ जाएँ और इनको बाय करें, इनको यूज़ करें और फीडबैक दें। सबसे पहले ये देखें, ये है इसका वाइटनिंग फेड क्लिंजर, ठीक है। ये डार्क स्पॉट्स को कम करता है, डॉक्टर रिशिल का है। इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से है, इसके बेनिफिट्स सब कुछ लिखा है इसके ऊपर। और सिर्फ इतनी आपसे गुजारिश है कि आप जब भी इसको लें, आप ये देख के लें कि आपको फेक प्रोडक्ट तो नहीं मिल रही। जिस भी दुकानदार से अगर ऑनलाइन भी मंगवा रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ श्योर हो जाएं आपके आपकी प्रोडक्ट एक नंबर होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। क्लेंजिंग से आप फेस को क्लेंस करो और क्लेंस करने के बाद आप ये क्रीम लगाओ। ओनली आप क्रीम भी बाय कर सकते हो, लेकिन इसके रिजल्ट्स तभी आपको अच्छे मिलेंगे जब आप इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा लो। सबसे पहले अपने आप को, अपने फेस को क्लेंस करो, उसके बाद ये फेड क्रीम अप्लाई करो। ये नाइट क्रीम है, रात को यूज़ करने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इसका। लगाने के तरीका सिर्फ यही है कि क्लेंज़र करने के बाद फेस को आप नीट कर लो, ड्राई कर लो, ड्राई करने के बाद आप इस क्रीम को फेस पे अप्लाई करो और विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।